हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक, और वो टॉपिक हमारा आज न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। क्या है वो न्यूमेरिकल्स, तो आओ देखते हैं उसे हम एक बार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो न्यूमेरिकल आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द न्यूमेरिकल इज टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 meter apart in air. A third point charge of unknown magnitude and sign placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position, nature and magnitude of charge Q. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये। इसके बेस पे बहुत बार न्यूमेरिकल्स जेडब्ल्यू मेन के अंदर पुट अप किया जाता है। दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each आर केप्ट 2 meter अपार्ट इन एयर। ए थर्ड पॉइंट चार्ज ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड and sign placed on the line joining the charges such that the systems remains in equilibrium. Find the position, nature and magnitude of charge Q. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है? एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। रेस्ट क्या है? एज पर डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई पुट दिस डस्टर ऑन माय हैंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इट मींस इट इज एट रेस्ट। इसकी पोजीशन सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। अब मैं क्या करता हूं, दोनों एंड्स पे एक फोर्स लगाता हूं, एक इस एंड से और एक इस एंड से। दोनों एंड पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, एक फोर्स मैं इस एंड से लगाऊंगा और एक फोर्स मैं इस एंड से लगाऊंगा। अगर तो ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस सेम हुए, लाइक दैट इफ बोथ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट देन दे विल कैंसल आउट ईच अदर और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। इट मींस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखें, अब भी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हालांकि दो फोर्सेस इससे लग रहे हैं, एक फोर्स यहां से और एक फोर्स यहां से। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इसीलिए जो नेट फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रहा है वो जीरो है। इट मींस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मींस हम कब कहते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? अगर उस पे लगने वाले ऑल फोर्सेस का सम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each. Suppose this is the first point charge, say Q, plays at point A, and this is the second point charge Q plays at point B. मैंने यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस ले लिए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट पॉइंट B. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर अपार्ट इन एयर. दे आर 2 मीटर अपार्ट. इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर है. दोबारा सुनेंगे. टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q एंड Q. आइडेंटिकल, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. A और B पॉइंट के ऊपर हमने उसे रख दिया और वो कितनी दूरी पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं. एक थर्ड पॉइंट चार्ज लेंगे. दिस इज द थर्ड पॉइंट चार्ज से Q. वो कह रहे हैं कि इस थर्ड पॉइंट चार्ज को Q को मैं इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में कहां पे रखूं कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए. दोबारा सुने, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट. दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q, दूसरा भी Q. दोनों आइडेंटिकल हैं. दोनों को मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे रख दिया और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर. मींस दे आर 2 मीटर अपार्ट इन एयर. एक थर्ड पॉइंट चार्ज है जिसका अननोन मैग्नीट्यूड है. हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, हमें उसका साइन नहीं पता, हमें उसका नेचर नहीं पता. उसको इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में कहां पर रखें कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो चेक करते हैं कि कहां पे रखते हैं. मैं मान लेता हूं कि Q को हम एक पॉइंट P के ऊपर रखते हैं और वो पॉइंट P उस A पॉइंट से x डिस्टेंस पे है. लेट द अननोन चार्ज पार्टिकल capital Q placed at a distance say placed at a point say P, which is at a distance of 2 from A. मैंने मान लिया कि x from Q at point A. मैंने मान लिया कि मैं इस Q को कहां रख रहा हूं? एक पॉइंट P पे रख रहा हूं और वो पॉइंट P उस A पॉइंट से कितनी दूरी पे है? मान लेते हैं कि x दूरी पे. तो ये वो पॉइंट P है. मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट P. यहां पे मैंने कैपिटल Q को रख दिया. ये कैपिटल Q इस स्मॉल Q से कितने डिस्टेंस पे है? हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पे है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 2 - x. और इसको इस तरीके से रखा कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए. सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. मैंने इस Q को, अननोन चार्ज पार्टिकल को, इस पॉइंट x के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर रख लिया और इस तरीके से रखा कि उसके x डिस्टेंस पे रखा कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ गया. तो हमारा क्वेश्चन है कि वो पोजीशन क्या होगी, वो x हमें निकालना है. उसका नेचर क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए या नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, चार्ज को भी चेक कर लेंगे. और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितना हो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है? फर्स्ट तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है. तो सबसे पहले हम पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमने कहा था कि Q को हमने x डिस्टेंस पे रखा है, तो वो x डिस्टेंस है कितना? उस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें उस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन का पता चल जाए। अब आप ध्यान से देखें कि Q को मैंने इस पॉइंट P के ऊपर रखा और इस तरीके से रखा कि वो इक्विलैटरल डिस्टेंस से x फ्रॉम A और रखने के बाद सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब जो फोर्स ये चार्ज पार्टिकल Q फील कर रहा होगा वो कितना होगा, जीरो। तो आप देख लेते हैं कि इस Q के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आप ध्यान से देखें, ये प्लस Q के ऊपर ये वाला Q भी एक फोर्स लगा है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर हम बात करें तो F1 मान लेते हैं। इस Q के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह इस Q के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो F2 होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये F1 और F2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोबारा सुने, इस Q के ऊपर इस Q की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज F1, वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज F2, वो इस डायरेक्शन में। तो आप सभी जानते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब Q के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका मतलब अगर एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जैसा कि हमें पता है कि Q को मैंने जब P पॉइंट पे रखा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, और इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको क्लियर किया कि नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा था और ये जो फोर्स लग रहे थे जब मैंने आपको दिखाया तो बराबर थे, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2 होगा, F1 इज इक्वल टू F2। अब हम F1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एंड F2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम सभी को पता है, कूलम्स लॉ हमें कहता है इफ देयर आर द टू चार्जेस से Q1 एंड Q2 दैट इज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस से R, देन देयर इज अ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन बिटवीन देम which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their distance between them. तो F1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे दैट इज F1, तो वो है किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, तो Q into capital Q by x square। Now what is F2? F2 कौन सा फोर्स है जो इस कैपिटल Q पे Q के द्वारा लगाया जा रहा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय 2 माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे हमारे, तो देखिए ध्यान से 1/x² इज इक्वल टू 1/2 माइनस x इसका होल स्क्वायर। Now taking square root on both sides, taking square root on both sides we get, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो इट मीन्स 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस x, तो 2 माइनस x इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, पोजीशन हमने पार्टिकल की फाइंड आउट कर ली कि कैपिटल Q कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम A for the system to be in equilibrium, for the system to be in equilibrium the particle Q कैपिटल क्यू, ये जो हमने चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू रखा है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ से 1 मीटर फ्रॉम क्यू एट ए। इससे कितनी दूरी पे होना चाहिए? 1 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो पोजीशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या साइंस का कोई इफेक्ट पड़ेगा, नेचर कैसा होना चाहिए इसका। नेचर सेकेंड हमें चेक करना है कि नेचर क्या होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि चार्जेस जो है, जो प्लस क्यू है, वो मेरा पॉजिटिव साइन का है। मान लेते हैं कि क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। सपोज कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव। तो आप देखिए इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में F1 होगा, और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो F2 होगा। अब फिर दोबारा से F1 और F2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों का, 1 मीटर, और फोर्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F1 और अगर F2 बराबर हैं, तो इसका मतलब जो कैपिटल Q है वो क्या है, प्लस होने से भी सिस्टम हमारा किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। सेकंड केस, मैं सेकंड में क्या ले रहा हूं, इस प्लस Q को मान लेते हैं कि ये माइनस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं F1। इसकी वजह से जो इस पे जो इंटरेक्शन फोर्स लगेंगे, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो इस डायरेक्शन में होंगे। अब आप फिर दोबारा ध्यान से देखें तो F1 कितना होगा, 1/4π0 Q इंटू Q बाई 1 का स्क्वायर। द डिस्टेंस इज अगेन सेम, 1 मीटर। तो F1 और F2 फिर दोबारा से इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इट मींस चाहे चार्ज हमारा पॉजिटिव नेचर का हो, चाहे चार्ज हमारा नेगेटिव नेचर का हो, क्योंकि वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा है, मतलब मिड पॉइंट पे पड़ा है उन दोनों के, तो इसका मतलब सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। तो इट मींस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन equilibrium for both the nature, for both the plus Q charge and minus Q charge। मीन्स चाहे चार्ज आपका कैपिटल Q पॉजिटिव साइन का हो या नेगेटिव साइन का हो, सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, either it is of positive sign or it is of minus negative sign। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के मिड में पड़ा है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। तीसरा है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब हमें ये देखना है कि इस कैपिटल Q को जो हमने रखा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके ऊपर चार्ज है कितना, जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे फोर्सेस ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q एंड स्मॉल Q। आप देखिए इस Q के ऊपर इसकी वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। फॉर द सिस्टम टू बी इन equilibrium, equate the forces, say F1 and F2 acting on Q due to Q and acting on Q at point A due to plus Q and plus Q at due to plus Q at point B and plus Q at point लेकिन माना से मुझे अब तीसरे केस में क्या करना है, इस कैपिटल क्यू के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे पता है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में। तो मान लेते हैं इस क्यू के ऊपर जो कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1 है। मैंने क्या माना कि इस क्यू के ऊपर जो इस कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लग रहा है वो F1 है, और इस क्यू पे जो इस स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स लग रहा है वो कितना है, F2। तो F1 कौन सा फोर्स है, जो कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर लगा रहा है, और F2 कौन सा फोर्स है, जो ये स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर लगा रहा है। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वी हैव टू इक्वेट दीस टू फोर्सेस। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, F1 और F2 को हम बराबर रखेंगे। हमने मान लिया कि लेट F1 बी दी फोर्स एक्टिंग ऑन Q एट A ड्यू टू प्लस Q एट B। इसी तरह सिमिलरली F2 be the force acting on Q at A due to Q at B। अब जो कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब equate these two forces। As the system is in equilibrium, as the system is in equilibrium, therefore equate the two forces F1 and F2 acting on Q at A due to plus Q at P and Q at B। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इसका मतलब F1 is equal to F2। अब F1 कौन सा फोर्स था जो इन दोनों के बीच में लग रहा था, तो दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q into Q by डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि डिस्टेंस कितना है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज F2, दैट इज अगेन या फिर x का स्क्वायर। नाउ इसी तरह F2 निकालेंगे, F2 कौन सा फोर्स है जो इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो 1/4 pi epsilon naught Q स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। नाउ put x is equal to 1 meter, तो 1/4 pi epsilon naught Q into Q by 1 इसका स्क्वायर is equal to 1/4 pi epsilon naught Q स्क्वायर बटे में 4। तो ये कट गया आपके पास, Q से Q कट गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से, Q by 4। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जो भी पॉइंट चार्ज आपने रखे थे उसका 1/4 टाइम्स। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सीबीएसई इसके ऊपर इस तरह के टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जरूर पुट अप करती है। जेईई मेन में भी ये न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो अच्छे से करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा और उम्मीद है आप सभी तक पहले भी मेरी वीडियोस पहुंच रही होंगी और आप सभी उसे देख भी रहे होंगे और उसे पसंद भी कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, एट लास्ट आई एम अगेन सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।